लखनऊ में हुए इनकाउंटर पर कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें काफी कुछ लिखा था। उसके ऊपर आज दिल्ली में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई है। FIR बीजेपी के इलीगल सेल ने करवाई है जिसके अश्विनी उपाध्याय जी हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आज आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उन्होंने कल एक ट्वीट किया था उसके ऊपर इनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई, ये क्या FIR है और किस तरीके से ये उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस बनते हैं? देखिए, पहली बात तो कल उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता बलात्कारी हैं और हत्यारे हैं। किसी एक नेता का नाम नहीं लिया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो 15 करोड़ देश भर में फैले हुए मेंबर्स हैं, नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो सारे के सारे हत्यारे हैं, बलात्कारी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि देश में जो हिंदू हैं उनकी लड़कियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार करते हैं। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मतलब भारत में जितने हिंदू हैं सबकी लड़कियों को बलात्कार हो रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक कोई बयान नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, ये कोई राबड़ी देवी नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब ये कोई गलती से ट्वीट नहीं किया है, बाकायदा उन्होंने प्लान्ड करके इस देश में वो जाति और धर्म के आधार पर दंगा भड़काना चाहते हैं। वो केवल नफरत नहीं बढ़ा रहे, वो केवल हिंसा नहीं चाहते बल्कि दंगा चाहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर आपस में लड़े, हिंदू मुसलमान लड़े। इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने कोई मतलब नहीं था। उस गाड़ी में एक हिंदू था लड़का, तो लड़की मुस्लिम भी थी। तो इस तरीके के जो इनकी चाल है ना, ये पूरा दंगा भड़काने का था। इसीलिए मैंने आज तिलकमार थाने पे FIR दर्ज कराया है। हमने भारतीय IPC की सेक्शन 153A, जिसमें ये काम जाति और धर्म के आधार पे दंगा भड़काने की कोशिश, 295A आपस में वैवनश्य, 499 डिफेम करना, उन्होंने हमें बलात्कारी कहा है। भाई, उन्होंने सबको कह दिया ना, तो मैं भी तो उसमें हूँ, मुझे उन्होंने बलात्कारी कहा है। इसके अलावा एक संवैधानिक पद पे रहते हुए मिसचीव करना, कॉन्स्पिरेसी करना देश में पूरा अलगाववाद का, ये सेक्शन 504 और 505। इसके अलावा ट्विटर का मिसयूज करना, इसलिए सेक्शन 67 ऑफ द IPC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सारे मैंने शिकायतें दर्ज कराई हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से SHO से फ़ोन पे बात किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें वो गंभीरता के साथ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो एक संवैधानिक पद पर हैं और भी लोग संवैधानिक पद पर होते हैं, आए बगाए कोई ना कोई राजनेता इसी तरीके का बयानबाजी करते रहते, तो एक कहीं ना कहीं ये एक लोगों को शह भी मिल जाती है कि भाई फलाने नेता ने कहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसकी वजह से हम भी इस तरीके से टिप्पणी करके सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत में एक ही संविधान है, एक ही कानून है, सबके लिए वही है, और ऐसे मामलों में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम जनता में बहुत गलत संदेश जाता है। उनको लगता है अच्छे सारे नियम कानून हमारे लिए, नेताओं के लिए कोई नियम कानून नहीं। इसलिए मैंने प्रण किया है कि इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन इनको सजा जरूर दिलवाऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हो, क्या सबके लिए आप जाएंगे? क्योंकि ये एक पार्टी से नहीं है, सभी नेता इस तरीके की कहीं ना कहीं टिप्पणी, अभद्र वाली टिप्पणी करते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों से अपील करता हूं कि जब भी किसी नेता के खिलाफ कोई ऐसा बयानबाजी कर रहा हो, मैं अकेले तो 150 करोड़ की जनसंख्या में अकेले सब कुछ नहीं कर सकता हूं, आप लोग शिकायत करिए। आप लोग अगर कोई कानूनी मदद चाहिए हमारे पास आइए, लेकिन मुझे लगता है कोई भी नेता हो जो जाति और धर्म के आधार पर भारत को बांटना चाहता है, समाज में नफरत फैला रहा है जाति धर्म के आधार पे, समाज में हिंसा कराना चाहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन सर, एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये ट्विटर वगैरह एक सोशल मीडिया का एक है, उस वो प्लेटफॉर्म एक ऐसा हो गया जहाँ पर बहुत, चाहे वो नेता हो या आम पब्लिक हो, बहुत सारी अभद्र भाषा का यूज़ करता है, इस पर एक लगाम लगाने की बात भी चल रही, तो आपको लगता नहीं कि कहीं इस पर और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है कि कम से कम इस तरीके का जो वाक्य, चाहे वो किसी के खिलाफ हो या अभद्र भाषा का यूज़ किया जा रहा हो या किसी पे गलत तरीके का एलिगेशन लगाया जा रहा हो, उसको रोकने की ज़रूरत है? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले से एक्ट है, यहाँ पे हमारी IPC भी है, लेकिन समय के साथ नए नई चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कानून भी उस तरह से नए बदलने चाहिए। मेरा अपना मानना है कि एक कंप्रहेंसिव कानून की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा लैकुना है, बहुत सारा गैप है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, उसमें नेता भी उठाते हैं और भी लोग उठाते हैं। एक कठोर कानून की ज़रूरत है।
ये थे अश्विनी उपाध्याय जी, जिनका कहना था कि जो सोशल मीडिया पर तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उसको ज़रूरत है कि एक ऐसे कानून बनाने की जिससे कि जो अभद्र भाषा का यूज़ किया जाता है उस पर एक लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन सुरवीर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।